नमस्कार दोस्तों, बाइक टैक्सी वालों की बढ़ने वाली हैं मुसीबतें, क्योंकि दिल्ली में चल रहे अवैध वाहनों पर शिकंजा कसवाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील रोहित पांडे जी, जो कि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव भी रह चुके हैं, अब वो मैदान में उतरने वाले हैं इन सभी वाहनों के खिलाफ और ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों को न्याय दिलाने के लिए। अभी मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट रोहित पांडे जी का और राजेंद्र सोनी जी का इंटरव्यू भी दिखाऊंगा कि इस इंटरव्यू में उन्होंने क्या क्या कहा। उससे पहले दोस्तों बता दूं, जैसा कि आपको पता ही होगा, राजेंद्र सोनी जी ने ये कसम खाई है कि दिल्ली के अंदर से जब तक मैं इन अवैध वाहनों को बाहर नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इसी सिलसिले में आज वो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट रोहित पांडे जी से मुलाकात की। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं राजेंद्र सोनी जी का और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट रोहित पांडे जी का ये इंटरव्यू। नमस्कार दोस्तों, तो मैं अभी बैठा हूँ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वरिष्ठ एडवोकेट रोहित पांडे जी के ऑफिस में, जो कि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव भी रह चुके हैं, और साथ में बैठे हैं राजेंद्र सोनी जी, जो कि दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री हैं। तो अभी हम सोनी जी से जानेंगे। तो सोनी जी, आप ये बताइए, आप यहाँ पर वकील साहब से मिलने आए थे, तो ये फूल माला जो आपने पहन रखी है, थोड़ा ये विस्तार से बताइए। हमने अभिनंदन स्वागत करा है, क्योंकि इन्होंने ये बात कही है, वकील साहब ने, रोहित पांडे जी ने हमारे को, कहते जितनी भी तुम्हारी अनलीगल दिक्कतें हो रही हैं मैं आप लोगों की मदद करूंगा, और हमने इनसे मदद मांगी थी। जैसे दिल्ली की परिवहन व्यवस्था दिन पे दिन खराब होती जा रही है, ये आपको भी बताए, जुगाड़ू ई रिक्शा नंबर वन जो चल रहे हैं गैर कानूनी तौर से, वो बात करी है मैंने, और दूसरा वो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे, भाई दिल्ली के अंदर नॉन ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा, और ये जो ऐप आधारित कंपनियां हैं इनको लाइसेंस लेने पड़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट से, तो उनकी भी मैंने इनसे बात करी है, और इन्होंने हमें पूरा भरोसा दिया, भाई मैं गरीब आदमियों के साथ हूँ और मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा। तो यहाँ पे जो हमारे सोनी जी थे वो मिलने आए थे, और सबसे पहले वकील साहब का जो है स्वागत किया, सभी सोनी जी के साथ में जो भी हमारे ड्राइवर साथी आए हुए थे और जो भी अध्यक्ष वगैरह आए थे। इसके बाद जो इनको समस्याएं हो रही थी दिल्ली के अंदर, जैसे अवैध रिक्शा चल रहे हैं प्राइवेट नंबर की, जो मोटरसाइकिलें चल रही हैं ऐप से। सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर अभी जैसे सोनी भाई साहब ने बताया कि दिल्ली के अंदर परिवहन व्यवस्था जो है कितनी खराब हो चुकी है। देखिए, एक तो बहुत बड़ी बात यह है कि जो मुझे राजेंद्र सोनी जी ने बताया कि आज ये हमारे पास आकर के इन्होंने सिर्फ एक ही बात कही है, इन्होंने कहा कि परिवहन व्यवस्था आप सही कर सकते हैं क्या। एक बहुत बड़ा सवाल है, इन्होंने इनके मन में जेहन में इसलिए जा रही चल रही है क्यों, इनका दर्द, इनके मन की बात, इनके दिल की बात, और इनके लोगों की जो, क्योंकि ये एक लीडर है यूनियन के, ऑटो यूनियन के, इन्होंने ये बात बताई क्योंकि वो उन लोगों से मिलते हैं जो ऑटो चलाते हैं, और उनको पता है कि वो पूरे एक कानूनी तरीके से जो एक प्रक्रिया होती है ऑटो चलाने का, और एक सरकार के साथ, एक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के साथ मिलके, और कैसे वो पब्लिक कन्वेंस उनको देना है और कन्वीनियंस कैसे रखना है पब्लिक को, वो बखूबी तरीके से जानते भी हैं, और कैसे आगे चलाना है ये भी इनको देखना था। और इसी बीच में बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए हैं जो इनको इस बात का बड़ा दुख रहा है, और सरकार से भी लड़ते रहे हैं, और अब सिर्फ एक ही रास्ता इनको बचा है कि कोर्ट का रास्ता। कोर्ट का रास्ता अब अख्तियार करने का, अपनाने का क्यों सोची जा रही है, इसलिए सोचा जा रहा है कि तमाम ऐसे व्हीकल चल रहे हैं जो ई रिक्शा हैं, वो जुगाड़ू ई रिक्शा या जुगाड़ से ई रिक्शा चलाए जा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे ई रिक्शा चलाए जा रहे हैं जो जिनकी बैटरी चोरी की हुई बैटरी जो है वो असेंबल करके वो चलाए जा रहे हैं, जो गलत तरीके से इलीगल हैं, और सरकार उनको अनदेखा कर रही है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो करप्शन का एक बढ़ावा है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार के लोग या कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो उसको बढ़ावा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ऑटो चलाने वाले लोग जो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत अपना काम कर रहे हैं और लोगों को एक अच्छी सुविधा देना चाहते हैं, उनको कैसे रोका जाए, ये बहुत बड़ी बात है। और ये जितने भी एक अभी नोटिफिकेशन ललजी साहब ने निकाला, वो भी आइडेंटिफाई किया था कि 236 ऐसे रोड से जहाँ पे उनको नहीं जाना चाहिए, वहां पे भी लोग जाकर के गाड़ियां चला रहे हैं और एक रूल का, एक नोटिफिकेशन का वायलेशन कर रहे हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे तमाम चीजें हैं जो जिनके पास लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस की बात की राजेंद्र सोनी जी ने और उनके लोगों ने कि लाइसेंस जिनके पास नहीं है, बिना लाइसेंस के लोग गाड़ियां चला रहे हैं वहां पे। तो ई बाइक्स जो है, आपके बाइक्स जो चल रहे हैं, आपके जो बाइक ऐसी बाइक्स हैं जो प्राइवेट गाड़ियां हैं, प्राइवेट व्हीकल्स हैं, उसको जो है उनको हायर करके चलाई जा रही है,
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ड्राइवर्स हैं जिनकी जिनका कोई वेरिफिकेशन नहीं है, पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है, उनकी आइडेंटिटी का पता नहीं है कि वो कहीं ऐसा तो नहीं आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, ये भी बात सामने आई। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो जो सरकार उसको अनदेखा कर रही है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट की बात में अगर कहूँ वो भी कहीं ना कहीं उनको बढ़ावा दे रहे हैं। और करप्शन की बातें हम सामने ये लाने की बात करते हैं इसलिए कि अगर उनको रोका नहीं जाएगा, अगर उनको ऐसे लोगों को जो गलत तरीके से इनलीगल काम कर रहे हैं, तो ये जो इनलीगल व्हीकल्स हैं जो जो किसी न किसी के सह पे काम कर रहे हैं उनको कैसे रोकना है, उसके लिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और जो कोर्ट का जो माध्यम है यही एक माध्यम ऐसा है जिससे हम उन लोगों को बचा सकते हैं जो कानून के मानने वाले लोग हैं। तो मेरा कहना बस इतना है कि मैं आप लोगों से यही एक हाथ जोड़ करके कहूँगा कि आप घबराएं नहीं, आप परेशान नहीं होइए। मैं अपनी तरीके से जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं कोर्ट के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, हाई कोर्ट की जरूरत पड़ेगी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, और ये बताएंगे कि ये जो जितने भी ये आपके ई रिक्शा और जितने भी ये जुगाड़ वाले जो रिक्शा चल रहे हैं और जो बिना लाइसेंस की गाड़ियां चल रही हैं, जो बिना लाइसेंस के बाइक चल रहे हैं, इनको कैसे रोका जाए, इनको कैसे इनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, जो जिससे जिससे कि जान माल का खतरा होता है उन पैसेंजर्स को भी। बहुत सारे वाक्य आपने देखा होगा कि जो जो बहुत डरे हुए लोग हैं, पब्लिक भी जो है उनको ओला उबर में कितनी घटनाएं हो गई हैं, कितने बाइक वालों ने घटनाएं की हैं कि उनको लेकर के और कहीं और ले जा करके उनके साथ अब क्राइम किया और उनको उनके उनको जान गंवानी पड़ी। ऐसे तमाम चीजें थी जो उन्होंने एक प्रकाश डाला है राजेंद्र सोनी जी ने। मैं धन्यवाद कहूंगा कि राजेंद्र जी को कि ऐसी बात, और क्योंकि ये अपने हित की तो बात करेगा करेगा, हर कोई करता है, लेकिन और लोगों के लिए जो पैसेंजर है, पब्लिक है, लोग है, जनता है, वो कैसे बहुत त्रस्त है ऐसी ऐसी व्यवस्था से, इस व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, इस ऐसे लोगों को कैसे हटाया जाए, ऐसे लोगों को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, ये सरकार का काम है। और उसके लिए उन्होंने बहुत लोगों को उनके पास जा करके उन्होंने गुहार लगाई है अप्लीकेशन दे करके, यूनियन के थ्रू खुद भी जा करके डेली किसी न किसी अधिकारी से मिलते हैं और सरकार से मिलते हैं, उनके नुमाइंदों से मिलते हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। अब मैंने ये ठाना है और हम लोगों ने ठाना है और यूनियन के लोगों ने ठाना है, उन लोगों ने ठाना है जो जागरूक हैं अपने समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए, कि अब कैसे इन लोगों से हमें बचना है और कैसे इन लोगों को हमें सबक सिखाना है, इसके लिए हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, बहुत जल्द करेंगे। और हम पूरी व्यवस्था के साथ हम कोर्ट को ये कन्विंस करेंगे कि ऐसी ऐसी चीजों को सरकार को आप डायरेक्शन दीजिए, उनको रोकिए, जिससे कि जनता अपने अपने को सुरक्षित समझे और सही तरीके से सही चीजों का, सही पब्लिक कन्विंस का यूज करे, इस्तेमाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों अभी आप सुन रहे थे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट रोहित पांडे जी को, जो कि पूर्व में सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो अभी सभी ड्राइवर भाइयों को पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है कि जो भी लीगल एक्शन बन सकता है इन अवैध वाहनों के खिलाफ, वो हम जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। और सोनी जी को, तमाम जितने भी ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स यहाँ पे मौजूद थे, उनको पूर्ण रूप से आश्वस्त कर दिया कि हम आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। तो देखते हैं दोस्तों आने वाले टाइम में क्या होता है, क्या दिल्ली से ये अवैध वाहन हटते हैं या फिर नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। तो बस दोस्तों हम इस वीडियो को करेंगे यहीं पे समाप्त, मिलेंगे आपको किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।